एक हाथ से मैंने इसको ओपन करी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इन्हें खोल लेते हैं, उसके बाद मैं सर्विंग प्लेट में डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग का जो है डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है एक रेसिपी के साथ। जी हाँ, यखनी पुलाव की रेसिपी है जो कि बहुत स्पेशल और बहुत ईजी है। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिल सके। हम डालेंगे ये पुलाव है, इसमें मैं डाल चुकी हूँ गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच भर के, और ये थोड़ा सा प्याज डाल दिया। उसके बाद जो मसाले डाल लें, खड़े मसाले, उनमें आप देख लें ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, काली मिर्चें, साबुत धनिया, लौंगे हैं, गोल मिर्च है, साबुत नमक है, कड़ी पत्ता है, बस। अच्छा, इसको हम चढ़ाने लगे हैं। अभी मैं इसको कुकर चला दूंगी ताकि गोश्त भी गल जाए और सारी यखनी बन जाए। उसके बाद यखनी निकाल ली है और मीट भी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल और अगला प्रोसेस शुरू कर रही हूँ पुलाव का। मैंने लिया था एक प्याज, ठीक है, और एक प्याज में से मैंने ज़्यादातर डाल दिया था, तकरीबन 70% मैंने डाल दिया था यखनी में। और अब मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ तड़के के लिए, जो पुलाव का मैं तड़का बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये प्याज थोड़ा सा रेड होगा, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और साथ ही डाल दूँगी गोश्त। अब फिर मैं इसको भून कर, तो आगे आप देखें क्या करती हूँ। यहाँ मैंने प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है एक चम्मच और भर के, और अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं टमाटर। ये मैंने एक बड़ा टमाटर काट के इसमें डाला है ताकि जो है ना ये एक काफ़ी होगा इतने चावलों के हिसाब से। आप लोग अपने हिसाब से जितने चावल आपके होंगे उसी तरह क्वांटिटी बढ़ा डाल दिए थे। उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था और फ़ौरन टमाटर जो थे वो नरम हो गए थे। ये भी एक टिप है, क्योंकि अगर आप टमाटर डालते हैं तो नमक अगर आप पहले नहीं डाला करें, टमाटर डालने के ऊपर नमक डाला करें जब भी किसी भी सालन में, चावल में जब भी डालना हो, उससे क्या टमाटर फ़ौरन गल जाता है और अपना जो आप है ना वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। ये हो गया। अब मैं इसमें मीट शामिल करके उसको भी भून लूँगी और फिर इंशाल्लाह मेरा कपड़ा रेडी हो जाएगा। मैंने गोश्त भी ऐड कर दिया और मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह, और उसके बाद जो है फिर मैं इसमें डालूँगी यखनी जो उसकी बनी हुई थी, वो करने के बाद फिर मैं आपको। यहाँ पर टमाटर भी हो गए हैं और मेरा जो है गोश्त वो भी मैंने भून लिया अच्छी तरह। अब मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ यखनी शामिल करने के बाद। ये देखो मैंने शामिल कर दी यखनी। अब मैं इसमें जब ये पक जाएगा नमक चखूँगी, और नमक होगा इसमें थोड़ा सा तेज़, मतलब तेज़ इस सेंस में कि आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करना, तो बहुत तेज़ पूरा बेशक हो तब भी ठीक है, और हल्का सा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से नमक एडजस्ट करें। और बस फिर उसके बाद चावल डाल दें, इसमें डाल दिए ये देखें, और अब ये इसका पानी पकना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम इसको दम लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले ये बन जाएगा फिर दम लगा। तो मैं यहाँ पका रही हूँ और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही चावल हो जाएगा तो मैं इसको दम लगा दूँगी, और उसके बाद मेरे चावल इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँ। खुल गया है और मैं अभी आपके सामने चावलों को ओपन करूँगी। थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैंने इसको ओपन करी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इन्हें खोल लेते हैं, उसके बाद मैं सर्विंग प्लेट में डाल। चलें जी, अब वक्त ख़त्म हो गया, और अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिले। और ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।